अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर अली मीर कॉम फार्मिंग पाकिस्तान से। आज हम आपको जी पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये जो सुपर वॉर्म है ना, इनका जो सेकंड फेज़ वो स्टार्ट हो गया है, थर्ड यानी कि अब जो है ना ये थर्ड फेज़ में सॉरी प्यूपा में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखें ज़्यादातर अक्सर सी शेप में चले गए, तो अब ये अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ बन गए और इंशाल्लाह कुछ अर्से में यानी कि तकरीबन इनको 7 दिन हो गए हैं, ये वाले तकरीबन 7 दिन में बन गए हैं। और जैसे कि आप टावर देख रहे हैं, इस टावर में नीचे भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये बन गए, काफ़ी सारे प्यूपा में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। बस इसका और बीटल डार्कलिंग बीटल और सुपर वॉर्म में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसको आइसोलेट करना पड़ता है, और इसका प्यूपा माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है साइज में। तो अभी तकरीबन ये प्यूपा जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 7 दिन के बाद, अगले 5 से 7 दिन के अंदर इसमें से बीटल निकलेगा, तो इंशाल्लाह वो स्टेज भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जैसे ही ये कन्वर्ट होगा। तो ये देखें जी, बस सुपर फॉर्म का जो फिर नेक्स्ट वाला प्रोसीजर होगा ना, जब ये बीटल बनेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा इसका ब्रीडिंग बॉक्स कैसे बनाते हैं। इसका ब्रीडिंग बॉक्स हमने एक स्पेशल बंदा है जिससे कंसल्ट करके ना इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए किस तरह से इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जा सकती है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फोक्तन गाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के बाद यानी कि 7-8 तारीख तक ना मैं आपको बीटल भी दिखा दूँगा इसका, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसका प्यूपा भी काफ़ी बड़ा होता है। देखें कितना मॉन्स्टर साइज़ का प्यूपा है। और इसकी भी माशाल्लाह प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट सुपर वॉर्म का ये होता है कि इसको जब तक आप आइसोलेट नहीं करेंगे ना, ये जो सुपर वॉर्म है वो प्यूपा में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मील वॉर्म तो आपके पास एक टाइम पीरियड होता है ना, उसके बाद वो जो है ना खुद बहुत प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसमें से बीटल निकल आता है, लेकिन इसको आइसोलेट करना पड़ता है, हर एक पीस को अलग अलग करना पड़ता है। मैंने बोला आप लोगों को आज की पोजीशन अपडेट कर दी जाए, क्योंकि आज मैंने सुबह आया हूँ तो मैंने देखा तो ये प्यूपा में कन्वर्ट हुए हुए थे, तो अभी नीचे भी बहुत सारे हैं, तो अभी मैं इनको छेड़ नहीं रहा क्योंकि वो फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बाकी फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ इनका साइज़, बल्कि मैं आपको अपने हाथ पे दिखाता हूँ इसका प्यूपा का जो साइज़, ये देखें जी आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये हमारा सुपर वॉर्म का प्यूपा है, और ये हमारा जर्दखाना ऊपर रखना, ये प्यूपा की इधर रखना, मैं इसको मैच करना है इसके साथ, नहीं नहीं प्यूपा इसके साथ ना मैच करना है प्यूपा, हाँ नहीं नहीं ये तो ये हमारा डार्कलिंग बीटल है, प्यूपा एक निकालो, देखें जी इनके साइज़ में कितना फ़र्क है, नहीं नहीं कोई अच्छा मोटा पीस, ये तो सब डैमेज वाला, कोई अच्छा वाला निकाल दो मोटा, नहीं नहीं प्यूपा प्यूपा निकालो प्यूपा, ये बड़ा हुआ ना प्यूपा, ये वाइट वाला, हाँ ये प्यूपा प्यूपा, हाँ सेम शक्ल ये वाला, देखें जी ये हमारा डार्कलिंग बीटल का प्यूपा है, ये माशाल्लाह फुल साइज़ का डार्कलिंग बीटल का प्यूपा है, और ये फुल साइज़ का सुपर वॉर्म का प्यूपा, तो आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं ये कितना डिफरेंस है। चलो जी ये ले लो ये भैया, थैंक यू। अभी आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं साथ में बीटल्स भी, तो मैं आप लोगों को सबको अपडेट कर दी जाए। टेम्परेचर हमारा देखें जी परफेक्ट जा रहा है, 28.5 ह्यूमिडिटी 75%, ठीक है। तो लो जी ये हमने इनको रख दिया वापस,
और जी बड़ी ज़बरदस्त फार्मिंग है। अगर आप लोग चाहें ना तो आप जालियाँ भी रख सकते हैं, इस तरह की हमारे पास जालियाँ अवेलेबल थी तो हमने रख ली। अगर आप चाहें तो वो छोटी सॉस की डब्बियाँ मिलती हैं, आप वो बाय करके ना, वो जो आजकल रेडीमेड सॉस की डब्बियाँ मिलती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होल्स करके ना उसके अंदर भी आइसोलेट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।